नमस्कार मित्रों, वापी एनिमल्स रेस्क्यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें। आज हमें एक कॉल आया है कि मोटर पंप हाउस में एक बड़ा सा सांप घुस गया है। चलिए देखते हैं कौन सा है सांप। आज हमारे साथ है जितेंद्र धोड़ी। चलिए, हम यहाँ आ चुके हैं और देखते हैं कौन सा सांप है। काफ़ी दूर है वह जगह जहाँ वह सांप छुपा हुआ है। वहाँ तक वाहन जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। ये देखिए, काफ़ी दूर है, बहुत ही चलना पड़ा। यहाँ पे शायद गाड़ी आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, खेत और मैदान कूद कूद के आना पड़ा है। ये देखिए, ये एक और नया रास्ता। हाँ, अरे बाप रे, मेरी तो हालत टाइट हो गई है। हाय, अभी इसमें से निकलना है। अरे बाप, हाँ इस निकल गया, चलो। हम पहुंच ही गए हैं, चलो देखते हैं वहाँ कौन सा सांप है। यही वो मोटर पंप हाउस है जहाँ वह सांप छुप गया है। चलिए देखते हैं, थोड़ा ढूंढते हैं कहाँ है। हमें सांप नज़र आ गया है। ये है रसल वाइपर, जो भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। हमने इसके रेस्क्यू की व्यवस्था कर ली है। चलिए हम अब इसे रेस्क्यू कर लेते हैं। काफ़ी जहरीला सांप है तो काफ़ी सावधानी भी रखनी पड़ती है। यह सांप फुफकार से हमें चेतावनी दे रहा है कि आप हमसे दूर रहें, और ऐसा ना करने पर यह हमें काट भी सकता है, जिसका परिणाम बहुत घातक हो सकता है। यह सांप लगभग अजगर की तरह ही दिखता है, लेकिन इस सांप को कभी अजगर समझने की भूल ना करें। धीरे धीरे जा भाई, जा धीरे धीरे। कई रिपोर्ट के अनुसार यह सांप एक बार काटने पर 120 से 250 मिलीग्राम तक जहर छोड़ सकता है। इसके काटने पर सबसे अधिक किडनी फेल होने की संभावना होती है। इसके अलावा शरीर में काफ़ी ज़्यादा सूजन आती है, जिससे स्किन फटने का भी डर रहता है, और समय पर इलाज न होने पर इंसान की मौत भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यह सांप सिर्फ जहरीला होता है, इसकी स्पीड भी काफ़ी तेज होती है। यह 5 फुट खड़े दूर शिकार को पलक झपकते ही हमला कर सकता है। ऐसे में खेत में काम करते किसानों को इससे काफ़ी खतरा रहता है। इसीलिए है तो यह सांप केवल भारत में ही नहीं, पूरे एशिया में सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है। चलिए, अब हमने इस विषैले सांप का रेस्क्यू कर लिया है, अब इसे वन्य क्षेत्र में छोड़ने की कार्यवाही करेंगे।